यहाँ से देखें, ये ब्लैंक स्प्रेडशीट में ले लूँगा, ब्लैंक वर्कबुक सॉरी ले लूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें, सबसे पहले इसके जो ये इंटरफेस आ रहा है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे पास देखें होम टैब सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। ये कुछ है, मर्ज सेंटर है, ये रैप टेक्स्ट है, और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इनको हम जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो इस शीट को देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। अगर आप कंट्रोल पकड़ के जो है वो एरो की के मदद से लास्ट वाली, नीचे वाली एरो की प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास ये लास्ट रो आ रही है, ये आपके पास आ रही है 10,48,576 जो है वो आपके पास टोटल रोज़ हैं। इसी तरीके से आप अगर कंट्रोल पकड़ के राइट साइड वाले इस पे चले जाएंगे कॉलम पे, तो ये आपको लास्ट कॉलम दिखा रहा है। इसमें क्योंकि वो ए बी सी है तो इसमें काउंटिंग पता नहीं चलती, लेकिन बहुत आगे चला जाता है ये भी, ठीक है। अगर दोबारा आपने अपनी होम पे जाना है, दोबारा अपने वन पे जाना है, तो यहाँ पे आप चले जाएं या यहाँ पे आप कर दें A1, ठीक है, इंटर करेंगे और दोबारा A1 पर आप आ जाएंगे। तो ये जो ए बी सी है ये कॉलम्स कहलाते हैं, और 1, 2, 3 जो है ये क्या हैं, रोज़ हैं, ठीक है। तो हम जो फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो इन कॉलम्स और रोज़ को मिलाते हुए करते हैं, लेकिन मेरा तरीक़ेकार थोड़ा सा अलग है। मैं आपको सिर्फ फार्मूला समझाऊंगा, मैं इसके ऊपर डिपेंड करना नहीं बताऊंगा कि आप शीट को देखकर जो है फार्मूला देखें कि अरे तो C1 पे लगा हुआ है या D3 पे लगा हुआ है, ये चीज़ नहीं होगी। जो शीट आप बना रहे हैं आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे माइनस होती है, कौन सी चीज़ किस पे प्लस होती है। तो ऑटोमेटिकली आपको, आप फिर सेल्स के मोहताज नहीं रहते, आप फिर शीट के मोहताज नहीं रहते, आप शीट के किसी भी हिस्से में जाकर उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके बेसिक फार्मूलाज हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया जी 12, 12, मैंने इसको प्लस करना है, सम करना है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करूँगा, इक्वल प्रेस करने के बाद मैं आ जाऊँगा A1 पे, मैं आया माउस से, अब ये किसी भी सेल में होगा तो ये कर लेगा उसको जमा। प्लस का साइन कर दूंगा और B1 पे इंटर कर दूंगा, क्या किया ये इसने, प्लस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर माइनस करना चाहूँ, एक सिंपल वे मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसी के पर मैंने रिज़ल्ट आना है तो मैंने यहाँ से प्लस का निशान हटा के माइनस कर दूंगा तो ये माइनस कर देगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा आपको। चीज़ें छोटी हैं तो मैं व्यू बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको जो है वो नज़र आए, ठीक है जी। अब समझ में आ रहा है, ये देखें फार्मूले के अंदर जाने के लिए आप या तो डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर, या आप उस सेल पर क्लिक करके F2 का बटन दबाएंगे तो आप फार्मूले के अंदर इंटर हो जाएंगे। आप फार्मूले के अंदर कोई भी चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो देखिए ये डिवाइड का रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये करने के बाद मिसाल के तौर पर सबसे पहला मैं फार्मूला ले आता हूँ प्लस, प्लस का, ठीक है। तो जवाब मेरे पास ये आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, मैं इस 12 को 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक मेरा रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, तो देखें ये ऑटोमेटिक वो रिज़ल्ट मेरा चेंज होता जा रहा है। अब अगर मैं माइनस में ये चीज़ परफॉर्म करना चाहूँ तो माइनस में भी कर सकता हूँ, मैं 30 को 15 के साथ माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जवाब किस पे आ रहा है, क्यों आ रहा है माइनस पे जवाब, क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया उसमें हमने सबसे पहले रखा है इसको, ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कम है। अगर कम वाली वैल्यू ज़्यादा वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो जवाब किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ या मैं फार्मूले को चेंज कर देता हूँ, फार्मूला कैसे चेंज करूँगा, इसको मैं कर दूँगा B1 और इसको मैं कर दूँगा
A1। अब आपका फार्मूला जो है वो रिज़ल्ट आपका जो है वो प्लस में आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो किसी को भी करो, चाहे बड़ा हो छोटा हो तो वो मल्टीप्लाई कर देगा। मिसाल के तौर पर 2 को आप करें 30 के साथ तो 60 होगा, 4 को करेंगे तो 120 होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके चंद बेसिक फार्मूलाज। एक और हम फार्मूला कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर हैं 250, 300, 500, 1000, 1200। देखिए ये 5 रकम मेरे पास हैं, मैं चाहता हूँ कि इन सबको जो है वो एक साथ जमा कर दूँ। क्या कर दूँ? सबको एक साथ जमा कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा। सिंपल, यहाँ पे मैं लिखूँगा सम। क्या लिखूँगा? सम लिखूँगा। सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। एरो की मदद से मैं एरिया सिलेक्ट करूँगा कि कितने कितने एरिया को मैंने प्लस करना है। तो मैं शिफ्ट पकड़ के, ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ई तक। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा रहा है कि A1 से लेकर A1 कॉलन E1, ये जो बीच में दो डॉट आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कॉलन। और नीचे आपको फार्मूले की टाइप भी बता रहा है कि सम नंबर 1, 2, सम नंबर 2, सम नंबर 3, इस तरीके से ये इसको परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर दूँगा, क्लोज और इंटर कर दूँगा, तो इसने इन सबको जमा कर दिया। क्या कर दिया? ये है आपका सम का फार्मूला, ठीक है।